देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको मैं फुल फ्रेम कंसील्ड फ्लश टैंक के इंस्टॉलेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर अभी ऑलरेडी जो है ना, कंसील्ड फुल फ्रेम फ्लश टैंक को यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। फुल फ्रेम का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो कंसील्ड टैंक जो रहेगा उसके साथ जो भी एक्सेसरीज, यहाँ पर हम लोग जो कमोड को बिठाएंगे, जो भी हम लोगों का अरेंजमेंट है वो फ्रेमिंग के अंदर आ जाता है, तो इसके लिए इसको फुल फ्रेम बोला जाता है। फुल फ्रेम में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने अगर फुल फ्रेम यूज़ नहीं किया, सिर्फ टंकी को यूज़ करेंगे तो इसको थोड़ा एडजस्टेबल करना, प्रॉपर तरीके से बिठाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसके लिए जब भी अंदर का कंसील्ड फ्लश टैंक अगर आप यूज़ करते हो तो फुल फ्रेम लगाना बहुत सही रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रॉड के थ्रू यहाँ पर इसको फिक्सिंग किया जाता है, उसके अंदर जो हम लोगों को यहाँ पर टंकी आता है, जो टैंक रहेगा, टैंक का लगभग मैं बताऊंगा तो 6 से 10 लीटर का कैपेसिटी का टैंक रहता है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो पानी का कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, तो पानी यहाँ से अंदर आ जाएगा टैंक के अंदर। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कंसील्ड पुश वाल बोला जाता है, यहाँ पर ये निकल जाएगा बाद में। इसमें हम लोगों को पुश करने के लिए आपको प्लेट मिलेगा, जहाँ पर हम लोग पानी को पुश करने के लिए प्लेट को दबाकर यूज़ किया जाता है। देखिए जब भी हम लोग यहाँ पर पानी को फ्लश करने के लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे तो पानी का जो है फ्लो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पर हम लोगों का वालहंग जो है यहाँ पर इसमें फिक्स हो जाता है, इसके अंदर यहाँ से इनलेट के थ्रू पानी अंदर आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर आपको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आउटलेट बोला जाता है, जो हम लोग वालहंग को बिठाएंगे, इनलेट यहाँ से पानी आएगा, जो भी हम लोग फ्लश करेंगे तो जो भी सॉलिड लिक्विड जो भी वेस्ट रहेगा इसके थ्रू जो है यहाँ पर जो आपको पीवीसी का पाइप लगा हुआ है यहाँ इसकी यहाँ से जो है वेस्ट जो है पूरा नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए उसको वालंग को लगाने के लिए आपको अलग सा चेयर ब्रैकेट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कंसील्ड फ्लश टैंक फुल फ्रेम में ही आपको रॉड्स भी आएगा, ये चेयर ब्रैकेट्स बोला जाता है। इसमें जो है हम लोगों को जो हमारा वालंग कमोड रहेगा इसके अंदर हम लोगों को फिक्स करना पड़ता है, फिक्स करके जो भी अरेंजमेंट है आपको आगे या पीछे की तरफ जैसे भी हम लोगों को लेना है, आगे पीछे इसको फ्रेम को आगे पीछे करके अरेंजमेंट करके जहाँ पर भी हम लोग पोजीशनिंग करना है उस हिसाब से हम लोग जो है वालंग कमोड को यहाँ पर हम लोग बिठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वापस मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ अरेंजमेंट को, इस हिसाब से हम लोगों को फुल फ्रेम कंसील्ड फ्लश टैंक का अरेंजमेंट को किया जाता है।